24 जुलाई को 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से चुनाव होने वाले, कहां कहां चुनाव हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। 3 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हैं। जयशंकर ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है, विदेश मंत्री हैं। कांग्रेस ने जयशंकर के सामने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। क्या है ये सारी राज्यसभा की लड़ाई, मैं आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताने जा रहा हूं। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होना है, इसमें गुजरात की भी 3 सीटें शामिल हैं। यहां से मौजूदा राज्यसभा सांसद और विदेश मंत्री एस जयशंकर का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। इस चुनाव के लिए जयशंकर ने अपना नामांकन भर दिया। वहीं राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस चुनाव से दूरी बना ली है। आइए जानते हैं कि 3 राज्यों में राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम क्या है, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, 3 राज्यों में मौजूदा समीकरण क्या है, गुजरात में कांग्रेस क्यों नहीं लड़ रही है राज्यसभा का चुनाव। पहले जानते हैं 3 राज्यों के बारे में जहां चुनाव है। राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम आपको बता दूं, पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान का ऐलान किया। इनके लिए मतदान 24 जुलाई को होगा। इसमें गोवा की 1, पश्चिम बंगाल की 6 और गुजरात की 3 सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में डोला सिंह, डेरेक ओब्रायन, प्रदीप भट्टाचार्य, सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रे और शांता छेत्री का कार्यकाल 18 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा गुजरात में विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिनेश जेमलभाई अनवाड़िया और लोखंडवाला जुगल सिंह माधुरजी का कार्यकाल भी इसी तारीख को खत्म हो रहा है। गोवा में विनय तेंदुलकर का कार्यकाल 28 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। इन 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के लिए अधिसूचना 6 जुलाई को जारी की गई। नामांकन की अंतिम तारीख 13 जुलाई है। मतदान और मतगणना 24 को होगी। आइए जानते हैं राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कौन करता है। राज्यसभा में किस राज्य से कितने सांसद होंगे, ये उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय होता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के चुने हुए विधायक करते हैं जिस राज्य से वो उम्मीदवार है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव से काफी अलग है, क्योंकि सदन के लिए मतदान सीधे जनता नहीं करती बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। चूंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, राज्यसभा चुनाव के नतीजों के लिए एक फॉर्मूला भी तय किया गया है। चुनाव नतीजों का ये फॉर्मूला क्या है, जिस राज्य की राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं उस राज्य के विधायक इसमें वोट डालते हैं। इन चुनाव में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह वोट नहीं पड़ते, यहां विधायकों को वरीयता के आधार पर वोट डालना होता है और विधायकों को चुनाव आयोग की ओर से एक विशेष पेन भी दिया जाता है। उसी पेन से उम्मीदवारों के आगे वोटर को नंबर लिखने होते हैं। एक नंबर उसे जो सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हो उसके आगे लिखा जाता है, ऐसे दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार के आगे 2। इसी तरह विधायक चाहे तो सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम दे सकता है। अगर आयोग द्वारा दी गई विशेष पेन का इस्तेमाल नहीं होता है तो वोट अमान्य हो जाता है। इसके बाद विधानसभा के विधायकों की संख्या और राज्यसभा के लिए खाली सीटों के आधार पर जीत के लिए आवश्यक वोट तय होते हैं। जो उम्मीदवार उस आवश्यक संख्या से अधिक वोट पाता है वो विजयी घोषित होता है। यह आवश्यक संख्या कैसे तय होती है, इसे समझने के लिए गुजरात का उदाहरण लिया जा सकता है। यहां विधायकों की कुल संख्या 182 है। वहीं कुल 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। हर एक सदस्य को राज्यसभा पहुंचने के लिए कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, इसके लिए एक तय फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यह है कि कुल विधायकों की संख्या को जितने राज्यसभा सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं उसमें 1 जोड़कर विभाजित किया जाता है। इस बार यहां से 3 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होना है, इसमें 1 जोड़ने से संख्या 4 होती है। अब कुल सदस्यों की संख्या 182 है तो उसे 4 से विभाजित करने पर आपको 45.5 मिलता है। यानी गुजरात से राज्यसभा सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को 46 प्राथमिक वोटों की आवश्यकता होगी। अगर विजेता का फैसला प्रथम वरीयता के वोटों से नहीं होता है तो उसके बाद दूसरी वरीयता के वोट गिने जाते हैं। कांग्रेस ने गुजरात में उम्मीदवार नहीं उतारने की घोषणा क्यों की है? कांग्रेस ने गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की। कांग्रेस ने कहा कि क्योंकि उसके पास पर्याप्त विधायक नहीं है इसलिए हम अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा, हमने राज्य में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को नामांकित नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि हमारी पार्टी के पास 182 सदस्यीय विधानसभा में आवश्यक संख्या बल नहीं है। इसके अतिरिक्त हम चुनावी जीत हासिल करने के लिए अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों की खरीद फरोख से बचते हैं। दरअसल राज्य की 182 सदस्यीय विधानसभा में 156 सीटें भाजपा के पास हैं और कांग्रेस के पास महज 17 विधायक हैं। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 46 विधायकों की जरूरत होती है। भाजपा को छोड़कर अगर अन्य दलों के विधायकों का भी समर्थन कांग्रेस को मिल जाता है तो भी यह आंकड़ा 26 तक ही पहुंचेगा, तो जीत के लिए पर्याप्त नहीं। गुजरात में कोई मुकाबला नहीं बीजेपी का, क्या गुजरात की 3 सीटों पर फिर भाजपा की जीत तय है? संख्या बल के लिहाज से भाजपा का 3 सीटों पर जीतना लगभग तय है। वहीं गोवा में भी भाजपा के उम्मीदवार का जीतना तय माना जा रहा है। बंगाल में सबसे ज्यादा 6 सीटों के लिए चुनाव हो रहा
रहा है। यहां टीएमसी ने सोमवार को ही अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राज्य में 294 विधानसभा सीटें हैं, एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 43 वोट की जरूरत होगी। अभी राज्य में टीएमसी गठबंधन के 221 विधायक हैं, ऐसे में उसके 5 उम्मीदवारों का जीतना तय माना जा रहा है। वहीं एक सीट के लिए भाजपा की दावेदारी भी मजबूत है, जिसके सदन में 70 विधायक हैं। विदेश मंत्री जयशंकर कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा चेहरा भी 10 के 10 चेहरों में है। जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म होने वाला है, उनमें सबसे बड़ा चेहरा विदेश मंत्री एस जयशंकर का ही है। उन्होंने गांधीनगर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि भाजपा ने आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन एस जयशंकर का नामांकन निश्चित माना जा रहा है और निश्चित ही था उनका। और एक बार फिर, क्योंकि वो विदेश मंत्री की बड़ी भूमिका में भी दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे ही उनका राज्यसभा का चुनाव होगा तो उसके बाद में वो दोबारा राज्यसभा सांसद बनना भी उनका तय माना जा रहा है। जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि गुजरात में बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत है, वहाँ पर सारी सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपने किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा, इसीलिए एस जयशंकर के सामने और बाकी के उम्मीदवारों के सामने भी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।